अपने यहाँ खाद्य तेलों का आयात तो बरसों से हो ही रहा है, अब पोल्ट्री उद्योग सोयाबीन की खली का भी आयात करवाना चाहती है। इसके लिए इन्होंने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है, लेकिन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा ने इसका विरोध किया है। सोपा का कहना है कि देश में सोयाबीन की खली का पर्याप्त उत्पादन होता है, यदि विदेशों से इसका आयात खोला गया तो इससे यहाँ के सोयाबीन किसानों की आमदनी घट जाएगी। सोपा के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि पोल्ट्री उद्योग ने एक बार फिर से सोया मील के आयात के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ती कीमत पर सोया खली का आयात करना चाहते हैं। यदि ऐसा हुआ तो फिर यहाँ के सोयाबीन किसानों को उपज का कम दाम मिलेगा। सोपा के अध्यक्ष ने केंद्रीय पशुपालन सचिव को एक पत्र भेजकर कहा है कि जीएम सोयाबीन के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि अप्राकृतिक ढंग से तैयार की गई कोई भी चीज हानिकारक होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल अप्राकृतिक रूप से तैयार की जाती है, इसलिए इसका भारतीय पोल्ट्री उद्योग पर अवश्य दुष्प्रभाव होगा। उनका कहना है कि भारतीय पोल्ट्री उद्योग की हर साल की मांग 58 लाख टन सोया खली की होती है, इससे बहुत ज्यादा उत्पादन भारत में ही हो जाता है, इसलिए विदेशी सोया खली के आयात से यहाँ का घरेलू उद्योग तो तबाह होगा ही, यहाँ के किसानों को भी कम दाम मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत में हर साल करीब 130 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोयाबीन को पेड़ने पर 81% खली निकलती है। इस खली में से करीब 10 लाख टन का उपयोग सोया चंक, नगेट्स, आटा आदि बनाने में होता है। तब भी पोल्ट्री फूड के लिए 60 लाख टन से भी ज्यादा खली बचती है। सोपा के अध्यक्ष के मुताबिक घरेलू सोया खली का भाव करीब $850 प्रति टन है, जबकि अर्जेंटीना में इसका भाव $530 है। यदि इस पर $100 का ढुलाई खर्च भी लगा दिया जाए तो भी इसकी कीमत $630 प्रति टन ही बैठती है। इसलिए भारतीय पोल्ट्री उद्योग आयातित सोया खली चाहते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आयातित सोया खली जीएम फसल से तैयार है, जबकि भारत में जीएम सोयाबीन की खेती नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।